हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पेनेसी में। आज आप सभी लोगों को कक्षा 12 का जो पाठ 3 है भूगोल का जनसंख्या संगठन, इसके बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको मैं आपको समझाता जाऊंगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पाठ का नाम क्या है? जनसंख्या संगठन, क्लास 12th भूगोल का चैप्टर 3 है। तो पहला इसमें प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, लिंगानुपात किसे कहते हैं। आपसे ये 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को हम क्या लिंगानुपात कहते हैं? उत्तर आप लिखेंगे, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जनसंख्या को ही हम क्या लिंगानुपात कहते हैं। कुछ देशों में ये आपका जो फार्मूला है वो उल्टा लगता है, प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे पुरुषों की संख्या को हम क्या लिंगानुपात कहते हैं। लेकिन आप क्या परिभाषा लिखेंगे जो आपके देश में है, भारत में, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को हम क्या लिंगानुपात कहते हैं। अब आपका आता है दूसरा प्रश्न कि जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं। ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछता है, कैसे जनसंख्या पिरामिड किसे कहते हैं तथा इसके प्रकारों की क्या विवेचना कीजिए। तो जनसंख्या पिरामिड जो है एक प्रकार का रेखाचित्र है। जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या पिरामिड एक प्रकार का रेखाचित्र है जिसके माध्यम से जनसंख्या की आव लिंग संरचना आज को क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो जनसंख्या पिरामिड एक प्रकार का रेखाचित्र है जिसके माध्यम से जनसंख्या की आव लिंग संरचना आज को क्या प्रदर्शित किया जाता है। अब प्रश्न पूछता है कि जनसंख्या पिरामिड के प्रकार की विवेचना कीजिए। तो इसमें पहला प्रकार आप लिखेंगे, विस्तारित होती हुई जनसंख्या पिरामिड। पहला आपका कौन सा है? विस्तारित होती हुई जनसंख्या पिरामिड। यह पिरामिड उन अविकसित देशों की आवलिंग संरचना को प्रदर्शित करता है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या ऊंची होती हैं। इस पिरामिड का जो आकार होता है वो आपका त्रिभुजाकार होता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? नाइजीरिया देश है। दूसरा है आपका स्थिर जनसंख्या पिरामिड। यह पिरामिड उन विकसित देशों की आवलिंग संरचना को प्रदर्शित करता है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या समान होती हैं। इसका आकार जो होता है वह क्या घंटी के आकार का होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया आप लिख देंगे, उदाहरण जब आप लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तीसरा जो है आपका ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। यह पिरामिड उन विकसित देशों के आवलिंग संरचना को प्रदर्शित करता है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या समान क्या आपका निम्न होती हैं। यह पिरामिड उन विकसित देशों के आवलिंग संरचना को प्रदर्शित करता है जिनमें जनसंख्या की जन्म दरें तथा मृत्यु दरें क्या निम्न पाई जाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जापान है। यह प्रश्न का उत्तर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा कि ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं। तो गांवों में निवास करने वाली जनसंख्या को हम क्या ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। ये जो होते हैं अधिकतर प्राथमिक कार्यों में लगे रहते हैं जैसे खेती करना, पशुपालन इत्यादि। इसके बाद आपका आता है नगरी जनसंख्या किसे कहते हैं। नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या को हम क्या नगरी जनसंख्या कहते हैं। ये अधिकतर गैर प्राथमिक कार्य करते हैं। क्या? गैर प्राथमिक कार्य, यानी इसमें आपका द्वितीयक या तृतीयक कार्य आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। तो जनसंख्या की जो व्यावसायिक संरचना है, कुल कार्यशील जनसंख्या यानी जो सभी लोग कार्य कर रहे हैं, कुल कार्यशील जनसंख्या में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या का अनुपात ही क्या आपका व्यावसायिक संरचना निकल आता है। इसमें आपके 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। आपकी कुल जनसंख्या है, ये जो जनसंख्या आप देख रहे हैं 125 करोड़ वासी, इसमें सभी लोग एक ही प्रकार के थोड़ी ना काम कर रहे हैं, सभी लोग अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं। जब वही चीज़ कह रहा है कि कुल कार्यशील जनसंख्या में जो है विभिन्न व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या का ही अनुपात क्या है आपका व्यावसायिक संरचना है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताया गया ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।